यहाँ पे जो है ना मठ बालकोनो है, ये देख ले ऊपर छोटा सा एक पुल बनाया हुआ है गांव वालों ने, ये देख ले लकड़ी से। यहाँ से भी एक ऊपर गांव है जिनके लिए रोड छोड़नी है। तो गाइस आप लोगों को और एक चीज़ बता दूँ, तो जब यहाँ पर रोड नहीं थे तो हमारे जो लोग हैं इस रास्ते से जाते थे। ये आपको थोड़ा सा निशान दिख रहा होगा, ये देख। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हालचाल, उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर और अफियत से होंगे। आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं जी ये धुमसुम वैली, और वहाँ पर हमारे कोई करीबी दोस्त का जो है ना शादी है, उसको अटेंड करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। भाई हैदर भी हमारे साथ है और इरफान मोनी भी हमारे साथ है, सो हम लोग निकले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं बारिश भी हो रही है, तो मौसम काफ़ी जो है ना इंजॉयफुल मौसम है। तो यू कैन सी यहाँ पर जो है ना मठ बालकोनो है, ये देख ले ऊपर सामने ही। तो अभी जो है ना हमारा सफ़र अभी भी जारी है। तो गाइस यहाँ पे देख लें, यहाँ से एक पुल बनाया हुआ है गांव वालों ने, ये देख ले लकड़ी से। यहाँ से भी एक ऊपर गांव है जिनके लिए रोड छोड़नी है, तो ऐसे ही इस पुल से पार होते हुए इस गाँव में पहुँच जाते। गाइस आप लोगों को और एक चीज़ बता दूं, तो जब यहाँ पर रोड नहीं थे तो हमारे जो लोग हैं इस रास्ते से जाते थे। ये आपको थोड़ा सा निशान दिख रहा होगा, ये देख ले, यहाँ से पैदल जाते थे नीचे शहर हपलू और जितने भी आगे गांव हैं या शहर आते हैं, तो उस वक्त जो है ना पैदल जाया जाते थे। तो अभी ये रोड बनी है, सो अभी हम लोग कार पर जा रहे हैं। तो हमारे जो बाप दादा थे वो सारे जो है ना इन पहाड़ों में चढ़ते हुए जाते थे। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे भी लोग रखते हैं। चाहते हैं दिल में तू जानना, कैसे दिल को समझाए दिल मानना, जो तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। तो फाइनली गाइस हम जो है ना पहुंच चुके हैं। तो हम लोगों ने कैमरा शिमला लेके आए हैं, तो इनको करते हैं पिक और बाहर निकलते हैं और घर के साइड जाएंगे। तो गाइस आप लोगों को एक बात बता दूं, तो जूँ ही हमारा जो है ना दूल्हा जो है ना रेडी हो जाता है, तो उसको जो है ना एक शामियाने पे लेके जाया जाता है। वहाँ पे लोग जो है ना हार शार उठा के रहते हैं और दूल्हे को पहनाते हैं, और साथ ही साथ जो है ना एक नातख्वान को भी साथ रखते हैं, और वो नात पढ़ते हुए या मनकबत पढ़ते हुए जो है ना दूल्हा जब दुल्हन के साइड जाते हैं तो उसके साथ जाते हैं। देसी सूप बनाया यखनी गोश का, देसी यखनी बनाया प्रेशर कुकर में। हाँ उसके बाद वाइट राइस, एक फ्राइड राइस बना रहा है। वाइट राइस बनी हुई है, खोलो उसको पे आई बोले वाइट राइस यहाँ पे बनी हुई है, वाइट राइस बनी हुई है, और ये ब्राउन राइस, ब्राउन राइस रेडी पड़ी हुई है।
यखनी रेडी पड़ी हुई है यखनी देसी स्टाइल जो परहेज करते हैं मसाले वगैरह के लिए उनके लिए यखनी तैयार है। और इस देख में और इसमें देख भी दिखाएं, ये गोश्त पड़ी हुई है इसमें, खाली इसमें देसी गाय का गोश्त पड़ी हुई, देसी गाय का गोश्त बना हुआ, यक का गोश्त कहते हैं जिसे। तो ये चीज आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या चीज है? अजूक कहते हैं इसको ना, ये बल्दिस्तान के मतलब बल्दिस्तान की सकाफत में बड़ा मशहूर है। तो ये किस चीज़ से बनता है? आटे, अंडे, दूध और खुबानी के तेल से फ्राई होता है। खुबानी का अंडा, दूध, खुबानी का तेल से फ्राई होता है। एप्रिकॉट जो होती है ना, एप्रिकॉट ऑयल से बनाया जाता है। तो इसको किस चीज़ साथ हम खाते हैं? चाय के साथ या गलती चाहिए होता है? नमकीन चाहिए, नमकीन चाहिए, कश्मीरी चाय के साथ, कश्मीरी की चाय। उसके बाद ये भी हम जैसे हम देशचूं बोलते हैं, ये भी एक देसी स्टाइल में देशचूं है। तो ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह की, इसको ये मीठा होता है, ये नमकीन है तो मीठा होता है। आप टेंट यहाँ पर जो है ना दुल्हा दुल्हन को रखेंगे, और यहाँ पे जो है ना खाना बनाया जा रहा है। ये जो है ना तारीखी मस्जिद है, इसकी रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है और ये उसी टाइप से बनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ जो है ना लकड़ी से बनाए जाते हैं, देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर जो है ना लकड़ी से बनाए हुए। चलिए दूल्हा जा रहे भाई, दूल्हा चीने का यार।